जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बार कोरबा रोड चापा में नवरात्रि की भव्यता देखते ही बनेगी। अग्रवाल सेवा समिति कोरबा रोड चापा द्वारा शहर के कोरबा रोड में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की आकृति में पंडाल तैयार किया जा रहा है। कोलकाता के कारीगरों की टीम पंडाल बनाने का काम कर रही है। आज पत्रकार वार्ता कर अग्रवाल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि माँ दुर्गा की प्रमुख प्रतिमा 24 फीट की होगी, तो वहीं अन्य 8 रूपों की प्रतिमा भी समक्ष ही होगी। उन्होंने बताया कि देश के 91 शक्तिपीठों की जीवंत झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगी। माँ दुर्गा के 9 रूपों को आकार देने का काम कोलकाता के कारीगर कर रहे हैं। साथ ही डांडिया और गरबा का भी आयोजन किया जाएगा। पंडाल में मथुरा से आए पंडितों द्वारा सार्वजनिक हिताय सार्वजन सुखाय की भावना से होमातंत छतचंडी महायज्ञ और दुर्गा पूजा कराया जाएगा, जिसमें पर्व के दौरान प्रतिदिन यज्ञ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्किंग के लिए यहां विशेष सुविधा रहेगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन की अनुमति मिलने पर प्रतिमा का विसर्जन भी धूमधाम से किया जाएगा। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। मूर्ति तो मैं बना रहा जब तक चापा में बहुत साल से बना रही, तो अभी भैया लोग को मूर्ति में नहीं बनाते तो 15-16 साल हो गया। तो इतना बड़ा मूर्ति इस बार यहाँ का मैं ऑर्डर इस बार मिला है, तो मैं कोशिश कर रहा है मेरा हाथ में जितना काला है मैं उतना दिखाऊंगा। और मूर्ति में जितना आपका नौ मूर्ति का जो रूप है उसी का जो चीज जो सामान लगता है मेरे को पूरा ध्यान से मैं उसका दिखाऊंगा। मूर्ति में जितना है तो उसका मूर्ति का आपका जो मुकुट उकुट का जो मिलावट है सब चीज को आपको देखेगा तभी आपको पता चलेगा। तेरी मारा मैं कलकत्ते से पिछले आपको 6 आदमी को बुलाया था बड़ा मूर्ति के लिए, और ऐसे तो हम लोग 6 आदमी अभी हमारा टीम में है, तो 12 आदमी अभी हमारा टीम में है, उसी को मिला मतलब 12 आदमी मिला के मैं अभी ये मूर्ति बना रही। देखिए अग्रवाल सेवा समिति चापा में विगत 28 वर्षों से माँ दुर्गा की स्थापना यहाँ पर करके हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन क्या है इस वर्ष हम लोगों के मन में एक परिकल्पना है कि इसको थोड़ा भव्य रूप दिया जाए, तो भव्य रूप देने के साथ साथ एक अनुष्ठान भी एक बड़ा हो ताकि लोगों को कल्याण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से एक सत्यंदी महायज्ञ का भी यहाँ पर आयोजन हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। और माता रानी के 9 रूप की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं जो नव दुर्गा होती है, और 9 रूपों की स्थापना करते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इससे लाभान्वित हो, इसका पुण्य लाभ उठाएं, और इस भावना के साथ कि बच्चे या बड़े या बुजुर्ग जो हैं आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं किंतु वहाँ इतनी ज़्यादा रश है इतना ज़्यादा भीड़ है कि उतना आनंद वो ले नहीं पाते हैं, तो आनंद ले का बिखराव हो अधिक से अधिक सकारात्मकता का प्रसार हो इस दृष्टिकोण से इस बार इसको बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है। और कोशिश कर रहे हैं कि चांपा नगर का भी इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और चांपा नगर का नाम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। क्या है यहाँ पर जो पंडाल के अंदर पंडाल लग रहा है भव्य पंडाल है, पंडाल के अंदर में 51 शक्तिपीठ जो माता रानी की हैं सबकी झांकियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी, ऐसी योजना है हमारी। एक बड़ी यज्ञशाला सुंदर यज्ञशाला का भी निर्माण किया जा रहा है, उस यज्ञशाला में प्रतिदिन सत्यंडी महायज्ञ मथुरा से पधारे जो 11 ब्राह्मणों का समूह आ रहा है जिसके प्रधान हैं आचार्य पंडित हरप्रसाद जी शास्त्री, उनके सानिध्य में यहाँ पर प्रतिदिन सत्यंडी का पाठ होगा और प्रतिदिन यज्ञ होगा, प्रतिदिन कन्या भोजन का आयोजन होगा। इस तरह से एक विस्तृत कार्य योजना अनुष्ठान को लेकर बनाई गई है, उतने ही भव्य प्रतिमाएं लाई गई हैं बनाई जा रही हैं जो कि हमारे कलकत्ता से पधारे हुए कलाकार हैं कमल पाल जी, उनके द्वारा यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और बहुत अच्छा काफ़ी मेहनत से और वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक माइलस्टोन कहना चाहिए कि आध्यात्म के क्षेत्र में चांपा के लिए साबित होगा, ऐसी हम लोग की परिकल्पना है।